फिल्म का आई एम किलर, किस तरह का ये स्टोरी लाइन इस फिल्म का, और कलाकार के बारे में बताइए कि जो कलाकार का चयन किया उसके बारे में बताइए कि किसका चयन किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के बारे में क्या, ये क्राइम पे है, कोई जरूरी नहीं कि क्राइम क्राइम से ही हो, अगर कोई भी आदमी क्राइम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। फिल्म में पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखाया गया है, और हमारे जो पंकज सिंह हैं वो लीड रोल कर रहे हैं, अच्छे एक्टर हैं। अभी आप लोगों ने बार बार पूछा उनसे, गुड लुकिंग सब कुछ अच्छा, तो वही देख करके हमने उनको जो है, और इससे अच्छा इससे आगे क्या बोलते। तो मतलब ये निर्देशक की तरफ पहली फिल्म है या पहले भी आपने? सर मैं हिंदी से भोजपुरी में आया, और मेरा बहुत लगाव था कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं। मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने एक फिल्म और करी है भोजपुरी की, अभी रिलीज नहीं हुई है, बट इसकी कहानी सुनने के बाद, इसके राइटर हैं सागर शहरी जी, कहानी सुनने के बाद, कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये फिल्म मैं करूं। और कहावत है, इंसान जो चीज़ चाहता है वो मिल जाता है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ एम अंसारी जी का, पंकज जी ने मुझे मिलाया एम अंसारी जी से, और फर्स्ट मुलाकात में पता नहीं मेरा व्यवहार अच्छा लगा उनको, क्या अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे एज ए डायरेक्टर साइन किया। तो आज मुहूर्त है, शूट कहाँ होगा और कब तक फिल्म देखने को दर्शकों को मिलेगी? ये फिल्म शुरुआत हो रही है 14 जनवरी से, जो कि मकर संक्रांति का दिन होता है, और शूट गोरखपुर और कुशीनगर गोरखपुर और नेपाल में करेंगे। सर क्या गोरखपुर के कलाकारों को भी मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर, सब गोरखपुर के ही हैं, और देखा जाए तो सारे लोग गोरखपुर के हैं। बात कलाकार गोरखपुर की नहीं होती, बात होती है यहाँ भोजपुरिया की जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, गोरखपुर का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, पर्सन तो पर्सन ही होता है। थैंक यू।